हिमाचल प्रदेश का अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा महोत्सव इस बार हर ओर चर्चा का विषय बना रहा, क्योंकि इस बार कुल्लू दशहरा उत्सव में मलेशिया, रूस, दक्षिण अफ्रीका, कजाकिस्तान, रोमानिया, वियतनाम, केन्या, श्रीलंका, ताइवान, इराक, किर्गिस्तान के साथ ही अमेरिका के भी कलाकार इस उत्सव का हिस्सा बने। इस दशहरा महोत्सव में कई देशों के विदेशी कलाकारों द्वारा विदेशी संस्कृति की झलक देखने को मिली। लालचंद प्राथमिक कला केंद्र के मंच पर कला का अद्भुत संगम देखने को मिला। यहाँ पर विदेशी कलाकार रंग बिरंगे परिधानों में अपनी संस्कृति का प्रदर्शन करते हुए दर्शकों का मनोरंजन कर रहे हैं। दशहरा उत्सव समिति के उपाध्यक्ष एवं उपायुक्त आशुतोष गर्ग ने कहा कि इस बार अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव को नया रूप दिया गया है। जैसा इसके नाम में ये एक अंतर्राष्ट्रीय फेस्टिवल है और कई वर्षों से यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के ट्रूप्स आके इस मंच पे परफॉर्म करते रहे, और इस बारी जो है ये बड़ी खुशी की बात है कि 13 अलग अलग कॉन्टिनेंट्स की डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज जो हैं वो उन्होंने आके यहाँ पे इस मंच पे परफॉर्म किया, और वहाँ का ट्रेडिशनल कल्चर, वहाँ के फोक कल्चर को यहाँ पे जो है कुल्लू के लोगों के समक्ष दिखाया, और इस मंच के माध्यम से वहाँ की संस्कृति जो है ना केवल कुल्लू के लोगों तक पर पूरे देश के जो यहाँ पे टूरिस्ट या बहुत सारे इंटरनेशनल टूरिस्ट भी इस समय जो कुल्लू में आए होते हैं उन सबके समक्ष जो है वो अपनी संस्कृति को उन्होंने प्रस्तुत किया। ये सारे जो इंटरनेशनल ट्रूप्स हैं, इन इंटरनेशनल ट्रूप्स को साथ में लेकर जो है एक कल्चरल परेड का भी ऑर्गेनाइजेशन किया गया। इस कल्चरल परेड में इन सब कंट्रीज़ के ट्रूप्स ने हिस्सा लिया, और वो भी दर्शकों में जो है एक बहुत बड़ा हिट वो कल्चरल परेड हुई। तो उस सेंस में इस बरी के दशहरा में बहुत सारी अच्छी और नई चीज़ें हुई हैं, और उस वजह से दर्शकों ने उसको पसंद किया। 7 दिनों तक चलने वाले इस ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव के 4 दिनों में विदेशी कलाकारों ने जो प्रस्तुति दी उसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है।